उन्नाव दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी, 5 लाख की आर्थिक मदद परिवार को दी गई। कृष्ण मुरारी यादव ने भी 25,000 रुपयों की मदद की। हसनगंज में रहता है रेप पीड़िता का परिवार। एसपी ऑफिस के बाहर रेप पीड़िता ने किया था आत्मदाह। हालांकि आत्मदाह करने की वहां कोशिश हुई थी, अस्पताल में उसे लाया गया, उसके बाद इलाज उसका जारी रहा, लेकिन इलाज के दौरान वो बच नहीं पाई। केवल निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जिनकी जान गई उनकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? क्या कानून अलग होगा उनके लिए? और जितने भारतीय लोग हैं वो इस कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ये जानबूझ के कर रही है। अभी आपने परिजनों से मुलाकात करी, उनकी क्या मांगे हैं और आपकी तरफ से क्या? वो न्याय चाहता है परिवार, कि उन्होंने बेटी तो खो दी है लेकिन परिवार को न्याय मिले और सरकार उनकी मदद करे। तो एसपी ऑफिस के बाहर रेप पीड़िता ने आत्मदाह किया था। आज से 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई और आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ यहां उनके घर पर पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने और सीधे तौर पर निशाना साधा है सरकार पर कि कानूनी कार्रवाई क्या किसी के लिए कुछ और होगी, किसी के लिए कुछ और होगी।